ते गल हुण करदे आं बदलदे मौसम दी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दे कारण एक बार मुड़ तो मनाली दे विच मौसम ने करवट बदली है। बीती रात मनाली दे नेड़ले इलाकयां दे विच हल्की बर्फबारी हुई है। हालांकि अजे भी मौसम खराब ही चल रहा है। उधर दूजे पासे अटल टनल दे रोहतांग दे नेड़े इलाकयां दे विच बीते दिनी बर्फीले तूफान दीआं तस्वीरां सामने आईआं ने। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं मनाली दीआं जिथे हल्की बर्फबारी हुई है ते कई जगह ते बर्फीला तूफान पिया है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं मनाली दे विच। संदीप सिंह मनाली तो साडे सहयोगी इस समय साडे नाल मौजूद ने। संदीप जानना चाहवांगे मनाली दे विच जिहड़ी बर्फबारी हुई है, पहली बर्फबारी हुई है, उस बारे की जानकारी है तुहाडे कोल और किस तरह का मौसम है? देखिए, मौसम विभाग ने पिछले कल जो है वो एक फॉरकास्ट जारी की थी जिसके मुताबिक 16 और 17 तारीख के बीच जो है वो प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल होगी। हालांकि जिस तरीके से फॉरकास्ट दी गई थी उसके मुताबिक जो है वो सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में जो है इसका असर देखा गया है। अटल टनल के पास की तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी किस तरीके से बर्फीला तूफान जो है वो नॉर्थ पोर्टल के आसपास के एरिया में देखा गया है और उसके बाद जो है देर रात हल्का हिमपात जरूर हुआ है लेकिन मौसम अब भी यहाँ पर खराब चल रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तस्वीर में साफ जो है हल्की हल्की बर्फ की सफेद चादर देखी जा सकती है क्योंकि हल्का हिमपात जो है वो देर रात हुआ है। इसके बाद टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मनाली में इस वक्त टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इस वक्त कड़ाके की ठंड जो है वो पूरे इलाके पर बनी हुई है और अगर मैं पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति का केलोंग -8 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है वो सबसे ठंडा बना हुआ है और जो अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल वाला इलाका है वहां पर -15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बना हुआ। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ जो है वो इन इलाकों के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए बन जाता है क्योंकि सैलानियों के लिए तो जाहिर तौर पर ये बर्फबारी जो है खुशनुमा मौसम लेकर आती है लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जो है बढ़ती ठंड परेशानी का सबब बन जाती है क्योंकि जितने भी तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर वाटर सप्लाई जो है वो घरों तक पहुंचने वाले जो वाटर सप्लाई वो पूरी तरीके से जो है वो प्रभावित होती है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ये बिल्कुल संदीप प्रशासन के वालों आने वाले समय के विच भी कदम चुके जाएंगे। जानकारी देने लिए धन्यवाद करना चाहवांगे। मौसम बदल रहा है और मनाली दे विच भी हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है इस करके सैलानी जिहड़े जा रहे ने मनाली एक बार जरूर ध्यान देन और तापमान नू जरूर चेक कर लैन।